हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की बहुत ही फेमस स्नैक रेसिपी। जैसे कि मैंने पहले भी हांडवा रेसिपी बनाई थी दाल से, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसी तरीके से आज मैं हरी मूंग दाल की हांडवा रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। मैंने कल ही मेरा सेकंड व्लॉग अपलोड किया है ब्लॉगिंग स्लॉगिंग चैनल पर, तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जरूर जाके वीडियो चेक कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं और हरी मूंग का हांडवा बनाते हैं। हमने यहाँ पे 3/4 कप हरी मूंग दाल ली थी जिसे हमने भिगो लिया था रात भर, और देखिए अब ये पूरी तरह से फूल चुका है। अब हम इसका पानी है वो ड्रेन कर देंगे। तो इस मूंग दाल को हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पे हमने 1/4 कप पानी डालना है, साथ ही साथ में 2 तीखी हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दरदरा मूंग दाल का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप कटा हुआ गाजर डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कसा हुआ गाजर भी डाल सकते हो। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ लौकी, आप लौकी को भी कस सकते हो। 1/4 कप उबले हुए मटर, 1/4 कप कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब चुटकी भर कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून बेसन। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप सूजी डाल देंगे और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। आप यहाँ पे बारीक सूजी या जाड़ी सूजी यानी कि मोटी सूजी होती है वो भी डाल सकते हो। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब आखिरी में जो हम करने वाले हैं वो हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम आधा सैशे इनो डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो मूंग दाल हांडवो का बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे पैन को धीमा और मध्यम आंच के बीच में रखा है। अब इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा यहाँ पे चुटकी भर हींग डाल देना है, 1 टेबलस्पून राई डालेंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 2 सूखी लाल मिर्च के टुकड़े। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और यहाँ पे तिल के ब्राउन होने तक का इंतज़ार करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे तेल ब्राउन हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम मूंग दाल का जो बैटर हमने तैयार किया है वो डाल देंगे और चम्मच की सहायता से धीरे धीरे इसे हम सेट कर लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और करीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसे पलट देंगे। वाओ, देखा आपने कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब दूसरी तरफ भी हमें यहाँ पे 6 से 7 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे पलट देंगे और इसे चेक कर लेते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये हो चुका है, इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो देखिए ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा नरम है और ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी डाली है, इसके वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी सी बनी है। तो अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए अंदर से काफ़ी अच्छे से पक चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही कम तेल में मूंग दाल का हांडवा तैयार किया है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका शुभमय रहे।